कन्नौज में जन सहयोग से प्राचीन दक्षिण मुखी जेल वाले हनुमान मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण होने पर शिखर प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर शुक्रवार दोपहर को तालाब हनुमान मंदिर से विशाल कलश यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर नगर को पूरे भगवा रंग एवं पताकाओं से सजाया गया। महिलाएं भी पीले वस्त्र पहनकर सिर पर मंगल कलश लिए हुए कलश यात्रा के साथ चल रही थी। युवक युवती भी पीले वस्त्र धारण किए हुए थे। रास्ते में जगह जगह कलश यात्रा पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। शोभा यात्रा तालाब हनुमान मंदिर से होते हुए बस स्टैंड से जेल वाले हनुमान मंदिर पहुंची। शोभा यात्रा में संत भी वाहन में विराजमान होकर चल रहे थे। इसी के साथ 7 दिवसीय धार्मिक आयोजन की शुरुआत हुई। कन्नौज से कमल गर्ग, राही की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।